हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का सितंबर शिल्पी होम साइंस क्लासेस में। फ्रेंड्स, अगर आपने मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया, आप सितंबर शिल्पी सर्च करके आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो आपका क्लास 6 का लेसन 4 है, रोग और उनके बचाव। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, आप TGT, UPTGT और UPPGT की तैयारी कर रहे हैं एग्जामिनेशन की, तो मैं बता दूँ कि TGT के लिए क्लास 6 से लेकर ग्रेजुएशन तक की बुक का अध्ययन करना पड़ेगा, और PGT के लिए आपको क्लास 6 से लेकर पोस्ट यानी PG तक की बुक का अध्ययन करना पड़ेगा, तभी आपका कोर्स कंप्लीट हो पाएगा। और आपको प्रीवियस ईयर पेपर प्लस आपको प्रैक्टिस सेट प्लस आपको अपने सिलेबस पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि दिन ब दिन आपका पेपर टफ होता जा रहा है, इजी कुछ भी नहीं रह गया, हर चीज़ में डीप पूछा जाता है। तो क्लास UPTGT के लिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, क्लास 6 से लेकर ग्रेजुएशन तक की बुक का अध्ययन, और UPPGT के लिए क्लास 6 से लेकर PG तक की बुक का अध्ययन करना पड़ेगा। कोई भी आपको जहाँ से भी, मैं इसके अलावा भी, अगर आपको जहाँ से भी जो नॉलेज मिली और भी बुक पढ़ रहे हैं, पर हाँ, ऐसी बुक का अध्ययन कीजिएगा जिसमें गलतियाँ कम हों। गलत सलत बुक जिसमें एरर वगैरह ज़्यादा हो, वैसी बुक का अध्ययन नहीं करना है, वैसी बुक की स्टडी नहीं करनी है जिसमें ज़्यादा मिस्टेक हो। ऐसी बुक का अध्ययन करिएगा जो सही हो, एरर वाली ना हो, तो ये भी बात ध्यान रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। रोज रात 10 बजे आपकी लाइव क्लास होती है होम साइंस की, जिसमें आपकी क्लास 6 से लेकर 12th क्लास की समरी कंप्लीट कराई जा रही है। ये क्लास 6 चल रही है जिसमें लेसन 4 है आज। चलिए शुरू करते हैं, रोग और उनसे बचाओ। तो रोग का अर्थ क्या होता है? रोग का अर्थ होता है अस्वस्थ होना। क्या होता है? अस्वस्थ होना। शरीर का पूरी तरह कार्य करने में किसी प्रकार की कमी का होना रोग कहलाता है। देखिए क्या होता है कि जब शरीर का पूरी तरह कार्य करने में किसी प्रकार की, यानी कि कोई कार्य कर रहे हो और उसमें किसी प्रकार की कमी है, तो क्या, तो शरीर का पूरी तरह कार्य करने में किसी प्रकार की कमी का होना क्या है? रोग कहलाता है। अस्वस्थ रोगी, अस्वस्थ यानी रोगी व्यक्ति में स्फूर्ति व उमंग की कमी रहती है। जो अस्वस्थ होगा या रोगी होगा वो थोड़ा खिसिया खिसिया सा रहता है, उसमें वो ऊर्जा, वो उमंग की कमी होती, बुझा बुझा सा रहता है। आप समझ जाते क्यों, आज तबीयत नहीं सही है। आप लोगों ने देखा होगा कि स्कूल में या आप कहीं भी जाते हो फ्रेंड सर्कल में, तो अगर आपके फ्रेंड का मुंह उतरा सा है तो कोई बात है, आज क्या मूड अच्छा नहीं है, क्या तबीयत नहीं सही है, क्या यही तो मुँह से निकलता है? तो वही अस्वस्थ रोगी व्यक्ति में स्फूर्ति व उमंग की कमी रहती है। उन्हें शारीरिक और मानसिक कष्ट होता है। क्या होता है? उन्हें शारीरिक कष्ट और मानसिक कष्ट होता है। ऐसे व्यक्ति का किसी कार्य में मन नहीं लगता। तो रोग का क्या होता है? अस्वस्थ होना। शरीर का पूरी तरह कार्य करने में किसी प्रकार की कमी का होना है, यानी जिस तरह हम पूरा कार्य कर रहे हैं पर जैसे हम रोज का कर वैसे नहीं कर पा रहे, उसमें थोड़ी कमी हो रही है, तो क्या शरीर का पूरी तरह से कार्य करने में किसी प्रकार की कमी होना, तो क्या कहलाएगा? रोग। अस्वस्थ रोगी का व्यक्ति में स्फूर्ति व उमंग की जो होती कमी होती है। उन्हें शारीरिक और मानसिक कष्ट होता है। उन्हें क्या होता है? शारीरिक और मानसिक कष्ट होता है। ऐसे व्यक्ति का किसी कार्य में मन नहीं लगता। रोग के कारण, रोग आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका असंक्रामक रोग, ये वे रोग होते हैं जो छुआछूत से नहीं फैलते, ये पोषण की कमी से हो सकते हैं। तो असंक्रामक रोग क्या होते हैं? ये वे रोग हैं जो छुआछूत से, यानी छूने से नहीं फैलते, छुआछूत से नहीं फैलते, ये किसी कमी से फैलते हैं? पोषण की कमी से फैलते हैं। जैसे विटामिन ए की कमी से रौतौंधी हो जाता है, याद रखिएगा, विटामिन ए की कमी से रौतौंधी, इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। एक कुछ असंक्रामक रोग वंशागत भी होते हैं। कुछ क्या होते हैं? असंक्रामक रोग कैसे होते हैं? वंशानुगत भी होते हैं। ये रोग बच्चों को अपने माता पिता या
पूर्वजों से मिलते हैं, और ये रोग किसको मिलते हैं, बच्चों को अपने माता पिता या पूर्वजों से मिलते हैं। याद रखिएगा कि कुछ असंक्रामक रोग कैसे होते हैं, वंशानुगत भी होते हैं, और यह रोग किसमें, यह रोग बच्चों को अपने माता पिता या पूर्वजों से मिलते हैं। वर्ण अंधता एक ऐसा ही वंशानुगत रोग है जिससे रोगी हरे व लाल रंग में भेद नहीं कर पाता। ये देखिए, ये क्वेश्चन आपका एलटी के पेपर में पूछा गया था, ये क्वेश्चन आपका एलटी के एग्जाम में आया था। जो बच्चों ने एलटी का पेपर दिया है होगा उनको पता होगा, ये क्वेश्चन आपके एलटी के एग्जाम में था। तो यह रोग बच्चों को अपने माता पिता या पूर्वजों से मिलता है, किसे मिलता है, अपने ये रोग बच्चों को अपने माता पिता या पूर्वजों से। वर्ण अंधता, इसे एक नोट डाउन कर लीजिएगा अंडरलाइन करके, यानी कलर ब्लाइंडनेस होता है। वर्ण अंधता मतलब कलर ब्लाइंडनेस, एक ऐसा ही वंशानुगत रोग है जिससे रोगी, याद रखिएगा कौन से रंग, हरे और लाल रंग में भेद नहीं कर पाता है। ये नोट बना के लिख लीजिए, हरे और लाल रंग में भेद नहीं कर पाता। फिर संक्रामक रोग, संक्रामक रोग क्या कहते हैं, तो संक्रामक रोग वे रोग होते हैं जो बैक्टीरिया, वायरस, कृमि जैसे सूक्ष्म अति सूक्ष्म जीवों से होते हैं। तो याद रखिएगा संक्रामक रोग वे होते हैं जो किसे, बैक्टीरिया से, आपका वायरस से, कृमि से, जैसे सूक्ष्म अति सूक्ष्म जीवों से होते हैं। ये अति सूक्ष्म जीव निम्न माध्यमों से मानव शरीर में प्रवेश पा कर उसे अस्वस्थ कर सकते हैं। तो याद रखिए संक्रामक रोग वे रोग होते हैं जो बैक्टीरिया, वायरस, कृमि जैसे सूक्ष्म अति सूक्ष्म जीवों से होते हैं। ये अति सूक्ष्म जीव निम्न माध्यमों से मानव शरीर में प्रवेश पाकर उसे अस्वस्थ कर सकते हैं। फिर दूषित खाना खाने, पानी पीने, देखिए दूषित खाना खाने पीने की वस्तुओं के माध्यम से पेट में कृमि, राउंड कृमि, विप कृमि और हुक कृमि। तो राउंड कृमि, ये कृमि के प्रकार है, राउंड कृमि, विप कृमि और हुक कृमि, हैजा, टाइफाइड जैसे रोग हो जाते हैं। तो दूषित खाना खाने और पानी पीने की वस्तुओं के माध्यम से क्या होता है, पेट में कृमि, हैजा, टाइफाइड जैसे रोग हो जाते हैं। तो दूषित खाने और पीने की वस्तुओं के माध्यम से पेट में कृमि कौन से, राउंड कृमि, विप कृमि और हुक कृमि, याद रखिएगा ये तीन कृमि, हैजा, टाइफाइड जैसे रोग हो सकते हैं। संक्रमित मिट्टी के संपर्क द्वारा कृमि संक्रमण फैलता है। तो संक्रमित मिट्टी के संपर्क द्वारा क्या, कृमि संक्रमण फैलता है। तो संक्रमित मिट्टी के देखिए जो संक्रमित मिट्टी होती है, तो संक्रमित मिट्टी के संपर्क के द्वारा क्या होगा, कृमि संक्रमण फैलता है। याद रखिएगा संक्रमित मिट्टी के संपर्क के द्वारा कृमि संक्रमण फैलता है, ये क्वेश्चन आया है। जिससे शरीर में खून की कमी, जिससे क्या होता है, शरीर में खून की कमी होती है, कुपोषण, थकान, पेट में दर्द, उल्टी, दस्त आना आदि लक्षण पाए जाते हैं। वायु में उपस्थित सूक्ष्म जीवाणु द्वारा जुकाम, इन्फ्लुएंजा, तपेदिक जैसे रोग होते हैं। तो वायु में उपस्थित सूक्ष्म जीवाणु द्वारा जुकाम, इन्फ्लुएंजा, तपेदिक जैसे रोग फैलते हैं। मच्छर के माध्यम से मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू फैलता है। तो मच्छर के माध्यम से मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू फैलता है। मच्छर के माध्यम से हमारा मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू फैलता है। कुछ चर्म रोग व्यक्ति को स्पर्श करने से भी फैलते हैं। कुछ चर्म रोग क्या, व्यक्ति को स्पर्श करने से भी फैलते हैं, जैसे दाग है, खाज है। संक्रमित बच्चों के शौच में कृमि के अंडे होते हैं। जो संक्रमित बच्चों के शौच में क्या होते हैं, जो कृमि के अंडे होते हैं, ये क्वेश्चन आया ये भी। तो संक्रमित बच्चों के शौच में कृमि के अंडे होते हैं, याद रखिएगा। खुले में शौच करने से ये अंडे मिट्टी में मिल जाते हैं, और क्या होता है, जब खुले में बच्चा शौच करता है तो ये अंडे मिट्टी में मिल जाते हैं, वहाँ क्या होते हैं, विकसित होते हैं। नंगे पैर चलने से, गंदे हाथों से खाना खाने से, या बिना ढका भोजन करने से शरीर में कृमि का संचरण होता है। देखिए क्या होता है, संक्रमित बच्चों के
शौच में कृमि के अंडे होते हैं। जो संक्रमित बच्चे हैं उनके शौच में क्या होते हैं, कृमि के अंडे होते हैं। खुले में शौच करने से ये अंडे मिट्टी में मिल जाते हैं। अंडे किस में मिल जाते हैं, मिट्टी में वह मिल जाते हैं, विकसित होते हैं। नंगे पैर चलने से, गंदे हाथों से खाना खाने से, हाथ खाने से या बिना ढका भोजन करने से शरीर में क्या होता है, कृमि का संचरण होता है। अब ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट लिखिए, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम वर्ष में दो बार 10 फरवरी व 10 अगस्त को मनाया जाता है। तो 10 फरवरी और 10 अगस्त को राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस आपका कार्यक्रम वर्ष में दो बार 10 फरवरी और 10 अगस्त को, कब 10 फरवरी और 10 अगस्त को मनाया जाता है, जिसमें 1 से लेकर 19 वर्ष तक के सभी बच्चों को एल्बेंडाजोल की दवा स्कूल व आंगनबाड़ी के माध्यम से खिलाई जाती है। तो याद रखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाएंगे, इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम वर्ष में दो बार 10 फरवरी व 10 अगस्त को मनाया जाता है, जिसमें 1 से 19 वर्ष तक के सभी बच्चों को एल्बेंडाजोल की दवा स्कूल व आंगनबाड़ी के माध्यम से खिलाई जाती है। उत्तम स्वास्थ्य के लिए अच्छी आदतें, तो उत्तम स्वास्थ्य के लिए जो आपकी अच्छी आदतें हैं वो स्वच्छता है, व्यायाम है, पौष्टिक आहार है, प्रतिरोधक टीके और दवाएं हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्वच्छता, देखिए क्या होता है कि हमें बस ये नहीं कि अपने शरीर को साफ कर लेना, ऐसा नहीं है। बस स्वच्छता में अपना शरीर साफ करना, अपने स्टाइलिश बाल बना लेना, अपना मेकअप कर लेना, अपने को बस रखना, वो नहीं है। साथ में क्या करना है, नित्य स्नान करना है, शरीर को अच्छी तरह से पोंछ कर साफ कपड़े पहनने हैं, रात में सोने से पहले और सुबह उठ के क्या करना है, दांतों में मंजन करना है, जीभ को भी साफ करना है। भोजन करने के बाद हमें क्या करना है, कुल्ला करना है। भोजन करने के बाद हमें कुल्ला करना बहुत जरूरी है। खुले हुए जो फल है और वह जो खाद्य पदार्थ है उन्हें हमें नहीं खाना है, उन्हें हमेशा कैसे ढक के रखना है। जो पानी का पीने का पानी है उसे कैसे साफ सुथरे स्थान पर रखना है, उसे ढक के रखना है। खुले में शौच ना करके हमेशा स्वच्छ शौचालय का प्रयोग करें। खुले में जो शौच है वो ना करके कैसा स्वच्छ शौचालय का प्रयोग करें। और शौचालय जाने के बाद क्या करें, जो शौचालय जाने के बाद अपने हाथों को साबुन से जरूर धुले। हमें अपने आसपास भी, यानी बस अपने आप को टिप टॉप रखना नहीं है, हमें अपने आसपास जो जहां रहते हैं वहाँ की भी साफ सुथरा रखना चाहिए, जिससे रोग के रोगाणु ना फैले। अब भैया आप लोग जहाँ रहते हो घर के बाहर, तो घर के बाहर रोड पे अगर गंदगी हो तो कितना ख़राब लगता है। आप ही के जैसे घर मकान है, मकान के सामने गंदगी पड़ी हो तो कितना ना खाने का मन करेगा, ना कुछ स्मेल सी आएगी और क्या अजीब सा लगेगा, और जो भी आएगा बड़े उससे देखते यहाँ रहते हैं ये लोग, खुद ही इमेज कीजिए कि कैसा होता है। और बगल में अगर नाली है उसमें गंदा पानी भरा है, बदबू आ रही है, तो क्या होगा, दम नहीं घुटेगा। तो वही सिर्फ अपने शरीर की सुंदरता को नहीं देखना है, साथ में आसपास की मतलब साफ सफाई पे भी ध्यान देना है। फिर दूसरा क्या है, दूसरा आपका इसमें आता है व्यायाम। व्यायाम में क्या है कि हमें नियमित रूप से क्या करना चाहिए, हमें नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। क्या करना चाहिए, हमें नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए, जिससे क्या होता है हमारे शरीर में प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है, जो हमारे शरीर को विभिन्न रोगों से क्या करती है, बचाती है। हमें नियमित रूप से क्या करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, इससे शरीर की जो प्रतिरोधक शक्ति है वो बढ़ेगी, जो हमारे शरीर को विभिन्न रोगों से बचाएगी। फिर पौष्टिक आहार, हमें अपना आहार संतुलित रखना चाहिए। कैसा रखना चाहिए, संतुलित। इसमें पोषक तत्व की कमी से होने पे क्या होता है कि अगर पोषक तत्व की कमी हो जाएगी तो हमारे शरीर को क्या लग जाएगा, रोग लग जाएगा। इसलिए हमारे आहार में पोषक तत्व
होने चाहिए। अच्छा पोषक तत्व खाएंगे तो शरीर में जो प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ेगी और हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता होगी वो बढ़ेगी और हमारे शरीर को जल्दी रोग नहीं लगेगा। फिर प्रतिरोधक टीके और दवा, संक्रामक जो रोग है, जो संक्रामक रोगों से बचाव के लिए टीका लगाया जाता है, संक्रामक रोगों से बचाव के लिए टीका लगाया जाता है, हमें समय से बच्चों को जो आवश्यक टीके लगवा देना चाहिए, दवाई भी खिला देनी चाहिए, जिससे क्या होता है, जिससे जो आपका चेचक है, टिटनेस है, डिप्टीरिया है, पोलियो, तपेदिक, हैजा, हेपेटाइटिस जैसे रोग उत्पन्न ना हो। अब देखते हैं गंदगी से होने वाली बीमारियों के नाम। तो साफ सफाई का ध्यान ना रखने से क्या होगा, पेट में कीड़े होंगे, कीड़ों से क्या होगा, पेट में दर्द होगा। देखिए अगर साफ सफाई का ध्यान नहीं रखेंगे तो क्या होगा, साफ सफाई का ध्यान नहीं रखेंगे तो क्या होगा, पेट में कीड़े होंगे, कीड़ों से क्या होगा, पेट में दर्द होगा, दर्द से क्या होगा, उल्टियाँ होंगी, भूख लगना बंद हो जाएगी, वजन कम हो जाएगा। भाई भूख लगना बंद हो जाएगी तो वजन कम हो जाएगा। गंदगी से ही हैजा नामक भयानक रोग होता है, उल्टियाँ दस्त होती हैं और कभी कभी क्या होता है, मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। तो याद रखिए साफ सफाई का ध्यान न रखने से पेट में कीड़े और कीड़ों से पेट में दर्द होगा, उल्टियाँ होंगी, भूख लगना बंद हो जाएगी, वजन कम हो जाएगा, गंदगी से हैजा नामक रोग हो जाता है, उल्टी दस्त, कभी कभी मनुष्य की मृत्यु भी हो जाती है। रोग से बचने, खाने की वस्तुओं को मक्खियों से बचाए। तो रोग से बचने के लिए क्या करें, जो खाने की वस्तुएँ हैं, जो खाने की वस्तु, उन्हें किससे बचाना है, मक्खियों से। मक्खियाँ बहुत परेशान करती हैं। आम खाइए, गर्मी में तो कैसे भिन भिन करके आ जाती हैं। कुओं में लाल दवा डलवा कर पानी को शुद्ध करें। कुओं में क्या करें, लाल दवा डलवाएं और पानी को शुद्ध करें। तो याद रखिएगा कुएं के पानी को साफ करने के लिए लाल दवा का प्रयोग किया जाता है, इसको भी नोट डाउन कर लें। खुली व अशुद्ध खाने पीने की चीज़ों का उपयोग ना करें। जो खुली व अशुद्ध खाने पीने की चीज़ें उनका उपयोग ना करें। घर व विद्यालय में बने शौचालय का प्रयोग करना ही का प्रयोग करना स्वच्छ रखना है। देखिएगा अगर घर और विद्यालय में बने जो शौचालय उन्हीं को प्रयोग करें, पर एक जिम्मेदारी भी रखें कि उसको हमें स्वच्छ भी रखना है। क्या स्वच्छ, यानी गंदगी मचा के रखें। तो फ्रेंड्स ये थी आज की क्लास। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आज की क्लास आपको मज़ेदार लगी कि नहीं, आपको कैसा लगा, अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर दिया करें और क्लास को लाइक कर दिया करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको मेरी लाइव क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाए, और लोगों को भी बताएं कि सितंबर शिल्पी चैनल पे होम साइंस की क्लासेस होती हैं और यहाँ तैयारी कराई जाती है जिससे और स्टूडेंट भी अवेयर हो। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।